हाथ पकड़ लिए जनाब, इधर आ जाइए, इधर भी आइए। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाला सिंह जी, आर्मी वेटरन लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी एंड ऑनरेबल मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्री चंद्र मोहन जी, पद्मश्री डॉक्टर एसपी वर्मा जी, आज सब हमारे अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा जी को मूर्ति भेंट करें। पीछे पीछे चलिए, सभी पद्मश्री एक मंच पर मूर्ति भेंट करते हुए, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि इतने पद्मश्री, ऐसा पहली बार होता है। और जितने नहीं आए हैं उनकी अप्रूवल भी है, ब्लेसिंग। पद्मश्री प्रोफेसर द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर एस पी वर्मा जी, गांधी ग्लोबल फैमिली के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों सज्जन और मित्रों, सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के उन तमाम महान सपूतों जिन्होंने बापू से प्रेरणा लेकर के इस वतन को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी स्मृति को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं आभारी हूं गांधी ग्लोबल फैमिली की एग्जीक्यूटिव कमेटी का, मैं खुद को योग्य नहीं पाता, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इन लोगों ने मुझे आज ये सम्मान दिया, उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। वर्मा जी ने बहुत विस्तार से कुछ बातें कही, मुझे लगता है कि जब पुरानी बात हमारे यहां कही जाती है, परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, चेंज इज द वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दैट इज आई। और मुझे लगता है कि इसका जीता जागता उदाहरण इस देश में कोई अगर एक व्यक्ति है तो उसी का नाम महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता बापू। परिवर्तन समाज में या देश में करने के लिए जो परिवर्तन हम चाहते हैं, अपने व्यवहार में भी अपने आचरण में भी हम उसको लागू करें, मैं समझता हूं कि बापू से बड़ा उदाहरण इस देश में कोई है नहीं। मुझे स्मरण है साउथ अफ्रीका से जब लौट करके बापू पहली बार आए, पहला उनका सार्वजनिक कार्यक्रम बनारस में हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम कर रहे थे, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर बापू उतरे और वहां से पैदल चल करके वाराणसी पहुंचे जहां विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। मालवीय जी चाहते थे कि स्थापना बसंत पंचमी के दिन हो, लेकिन उस समय के जो वायसराय उन्होंने तीन दिन पहले का समय दे दिया। आप सबको मालूम है कि वो अकेला विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो बिना किसी सरकारी योगदान के बना था। उस समय देश में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। जब पंडित जी प्रयास कर रहे थे, उनको जो शर्त रखी गई थी उस जमाने में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना, 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 3 वर्षों में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना बड़ी भारी चुनौती थी। उस काम को उन्होंने अंजाम दिया। मुगल सराय स्टेशन से जब बापू चले वाराणसी के लिए, तो वहां लोग ऐसा बताते हैं कि वैसा दृश्य किसी ने देखा नहीं। देशभर के सभी राजा महाराजा वहां थे और जो सुरक्षा वहां वायसराय को थी, तो बापू ने पहली बात यही कही कि इतनी सुरक्षा में जीने से बेहतर है आदमी मर जाए।